आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडी स्पेस स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने भी पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप इंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि पर मेष राशि के जातकों को भगवान शिव को किस तरह प्रसन्न करना है। साल 2019 में महाशिवरात्रि 4 मार्च को है और दिन है सोमवार, बहुत अच्छा दिन है। तो मेष राशि के जातक हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको पूजा कैसे करनी है, भगवान शिव की रुद्राभिषेक कैसे करनी है। शिवरात्रि का ये महापर्व न केवल भारत बल्कि विदेशों में ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में आता है, जो सामान्यतः अंग्रेजी महीने के फरवरी या मार्च में पड़ता है। शिवलिंग की पूजा करते समय राशि के अनुसार यदि आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो बहुत मतलब ज्यादा फलीभूत होता है। मेष राशि के जो जातक हैं उस दिन धतूरा, बेर और गाजर, इन चीजों को शिव पर चढ़ाना चाहिए। नोट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ये सब चीजें ज्यादा फलीभूत होती हैं मेष राशि के जातकों के लिए। मेष राशि वाले महाशिवरात्रि को भगवान शिव की पूजा के बाद ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम, इस मंत्र का जाप 108 दफा करें। इस मंत्र के जप से शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती हैं। जो लोग घर बनाने का सपना संजोए बैठे हैं तो इस दिन शिव मंत्र का जाप करने से उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती है। वैसे तो मेष राशि के जातक कभी भी, ज्यादातर सोमवार के दिन और सावन का महीना है तो और अच्छा है, महाशिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं, जल में गुड़ डालकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। साथ ही आप लाल और आंख के फूल शिव जी को अर्पित करें और नागेश्वराय नमः मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इससे आपको जल्दी मनोकामना आपकी पूरी होगी। अभी मेष राशि के जो स्वामी है वो मंगल देव है तो इनके लिए लाल रंग शुभ माना जाता है। मान्यता है कि शिवरात्रि के दिन लाल चंदन और लाल रंग के पुष्प मेष राशि के जातक के लोग भगवान शिव को अर्पित करें तो यह व्रत उनके लिए अधिक फलदायी हो जाता है और भगवान शिव उन्हें संकटों से मुक्त करते हैं। पूजन के दौरान मेष राशि के जातकों को, जैसा कि मैंने आपको कहा, नागेश्वराय नमः का जाप करना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होकर संकटों से मुक्त कराते हैं। जहां तक रुद्राभिषेक की बात है तो मेष राशि के जातक शहद और गन्ने के रस से भगवान शिव का रुद्राभिषेक कर सकते। मीन राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव की पूजा किस तरह से करनी चाहिए कि भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए। हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको रुद्राभिषेक किस चीज से करनी है भगवान शिव की। हम आपको मीन राशि के मंत्र भी बताएंगे कि किस मंत्र को पढ़ने से भगवान शिव अतिशीघ्र प्रसन्न होंगे। इस साल महाशिवरात्रि 4 मार्च को है और दिन है सोमवार। महाशिवरात्रि का पर्व शिव और देवी पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। शिवरात्रि का यह महापर्व न केवल भारत में बल्कि विदेशों में ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में आता है, जो सामान्यतः अंग्रेजी महीने के फरवरी या मार्च में पड़ता है। महाशिवरात्रि को शिवलिंग की पूजा यदि आप राशि अनुसार करते हैं तो आपको अतिशीघ्र फल मिलता है। हम बात कर रहे हैं मीन राशि की, तो मीन राशि के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति देव हैं। तो मीन राशि के जातकों को पंचामृत, पीले रंग के फूलों से भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए। मतलब पंचामृत और पीले रंग के फूल आपको अर्पित करने हैं। 108 दफा ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप कीजिए, ये आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी होगा। मीन राशि के जो जातक हैं वो शिव पिजन में बेर,
शिव पूजन जब आप करेंगे तो बेर, बेर को बोर भी बोलते हैं बहुत जगह पे, तो शिव पूजन में बेर, केला और मौसमी ये जरूर चढ़ानी चाहिए। मंत्र मैं आपको बता देता हूं मीन राशि वाले, जितना हो सके उतनी बार ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करना है। मैं मंत्र वापस बोल देता हूं, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्, ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तनो रुद्र प्रचोदयात्। इस तरह से इस मंत्र का जाप करने से आपके ऊपर शनि देव की तिरछी नजर नहीं लगेगी। मंत्र कम से कम 108 दफा पढ़िएगा, उस दिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल में कमाल की बढ़ोतरी होगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा आपका। मीन राशि वाले एक और छूट है आपको, शिवलिंग पर आप जल मिश्रित दूध आप चढ़ा सकते हैं। रावण रचित शिव तांडव स्तोत्र का यदि पाठ करते हैं तो और भी बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा है, इससे भगवान शिव का आशीर्वाद जो है आप पर बना रहेगा। अब हम रुद्राभिषेक आपको बता देते हैं। देखिए अभिषेक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है स्नान करना या करना, रुद्राभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र की अभिषेक। भगवान शिव को रुद्र कहा गया है और उनका रूप शिवलिंग में देखा जाता है, तो इसका अर्थ हुआ शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका रुद्राभिषेक करना या फिर श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा रुद्राभिषेक करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जलधारा प्रिय माना गया है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि किस चीज से रुद्राभिषेक करना है। मीन राशि के जातक, आप गन्ने का रस, शहद और दुग्ध से उनका रुद्राभिषेक कीजिए। आप तीनों को एक साथ मिलाकर भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं, आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मिथुन राशि के जातकों को महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को प्रसन्न करके कैसे अपने मनोवांछित मनोकामनाओं को आप पूरी करवा सकते हैं। 2019 में महाशिवरात्रि 4 मार्च को है और दिन है सोमवार, भगवान शिव का ही दिन है। हो सकता है तारीख स्टेट वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, पर यह 4 मार्च को ही है। महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो शिव और देवी पार्वती के शुभ विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। और शिवरात्रि का यह महापर्व केवल भारत में नहीं विदेशों में ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल फाल्गुन मास में आता है, जो सामान्यतः अंग्रेजी महीने के फरवरी या मार्च में पड़ता है। शिवरात्रि को शिवलिंग की पूजा करते समय यदि आप राशि अनुसार पूजा करें तो आपको मनोवांछित फल मिलता है, जो आप जो चाहें आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिथुन राशि वाले अलर्ट हो जाइए, हम आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, देखिए आप कितना कर सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को शिव पूजन में धतूरा और बेलपत्र का उपयोग जरूर करना चाहिए। मिथुन राशि के जातक शिवरात्रि के दिन महाकालेश्वर का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते रुद्राय मंत्र, ओम नमो भगवते रुद्राय 108 दफा करना है। इस मंत्र के जप से लोग आर्थिक परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं, धन लाभ का मौका जबरदस्त मिलेगा यदि आप ये मंत्र पढ़ते हैं। मिथुन राशि के जातक, वैसे आप गन्ने के रस से आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, 3 बिल्व पत्र चढ़ाएं, डिपेंड करता है, मैं जो जो बता रहा हूं डिपेंड करता है कि आप क्या क्या करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सारे के सारे करने हैं, मैं बहुत सारे तरीके बता रहा हूं, आप देख लीजिए कैसा करना है। साथ ही पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। देखिए मिथुन राशि वाले, आपके जो स्वामी हैं वो बुद्ध हैं, तो मिथुन राशि के लोगों को भगवान शिव को धतूरा और भांग भी अर्पित करना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र जो ओम नमः शिवाय है ये तो आप जरूर कीजिएगा। अब हम आते हैं रुद्राभिषेक पे।
देखिए भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको रुद्राभिषेक किस चीज़ से करना है, और उनका जो रूप है वो शिवलिंग में देखा जाता है। तो इसका अर्थ हुआ शिवलिंग पर रुद्र के मंत्रों के द्वारा अभिषेक करना। अभिषेक के कई रूप तथा प्रकार होते हैं। शिव जी को प्रसन्न करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है रुद्राभिषेक करना या विद्वान ब्राह्मणों से करवाना। वैसे भी अपनी जटा में गंगा को धारण करने से भगवान शिव को जल धारा प्रिय माना गया है। तो मिथुन राशि के जातक, आप कुशोदक शरबत या मीठे गन्ने के रस से उनका रुद्राभिषेक कीजिए, बहुत जबरदस्त फल मिलेगा और ये जरूर कीजिएगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।